होटल पहुंच गए सामान वामान पर, एक ही एटी का गाड़ी ले लिया, एक ही बड़ी सी गाड़ी, ऊपर सामान सबका सामान भर गया है। 445 की गाड़ी थी, 645 को आने वाली है। तो ये अब यहाँ पे पंची पेठा मिल जाएगा ना, हम पंची पेठा लेते हुए चलेंगे। सब थोड़ा सा साइड कर दीजिए ना मैडम को, टांगा चढ़ना, टांगा से आ जाएगी टूटला। यहाँ पे फेमस पंची पेठा, इसका कोई ब्रांच है पंची पेठा जो होता है आगरा। या पेठा नहीं खाए तो आगरा आए ही क्यों। अंगूर गीले हैं जो सूखे हैं, यहाँ पे सादा पेठा, केसर अंगूरी, अंगूरी पेठा, कोकोनट पेठा, काजू गुजिया पेठा। आपको आगरा में डालमूट भी बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डालमूट मिलता है। भाई टुंडला स्टेशन दे, हाथ बढ़ा दे। तो वैसे ये अच्छा लगता नहीं है लोगों से ह्यूमन लेबर यूज़ करना, बट कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सामान इतना ज़्यादा हो गया ना दो फैमिलियों का, तो फिर हमको कूली करना ही पड़ा। तो ये टुंडला जंक्शन जो है ना, ये हमको क्योंकि नॉर्थ जाना है, अमृतसर का ट्रेन है, तो हमको अमृतसर का ट्रेन इसी से, इस वाले सेंटर से ही मिला था, तो अभी हमने टुंडला जंक्शन से किया है। तो ये आपको आगरा से अराउंड 40-45 मिनट टाइम लग जाता है, और फिर वहाँ से आपको ये स्टेशन मिल जाता है, जो कि आपको अमृतसर वगैरह जाने के लिए है। अगर आप दूसरी तरफ जाओगे तो आगरा कैंटनमेंट स्टेशन से ही आप जा सकते हो बेसिकली। कितने सालों बाद में कोई रेलवे स्टेशन में आ रहा हूँ, हम लोगों ने ट्रेन में सवार होना ही छोड़ दिया एक्चुअली, फ्लाइट और बाई रोड यही सब चल रहा है। अजीब सा एक नॉस्टैल्जिक टाइप का फीलिंग आ रहा है, कुछ शेड वेड बने हुए हैं इसमें, तो ट्रेन भी रुकी हुई है। ढाई घंटा है ये वाला, यूज कर सकते हैं इसमें, इसमें जो सोया था उसमें तेल नहीं लगाया था, शायद तेल नहीं लगाया नहीं, साफ पिछले वाले लोग काफी लंबे बाल थे उस आंटी के, मिडेज है थोड़ा सा, सफेद सफेद हल्का सा है। लेयर को ले, लेयर को ले। क्या खाया है कल, पेल येल्लो, येल्लो डार्क येल्लो ना भैया, साफ है ना। हाँ बढ़िया, ठीक है चलेगा। ये मेरे को काम दे दिए भाई, बाथरूम चेक करो, भाई बाथरूम चेक करने के लिए आए ट्रेन में हम लोग। टुंडला से पहले ऑर्डर ले लिया उसने, भूखा मर जाएंगे भाई, भेजो जल्दी, ठीक है जाके पेंट्री में जाके बोल क्या है। अच्छा चल चल,
गाजियाबाद जंक्शन। ठंड लग रहा है, जिला गाजियाबाद है। दिल्ली पहुंच चुका है गाड़ी भाई, दिल्ली दिल्ली। पहुंच गए भाई अमृतसर। ठंड बहुत है, उसी कुली ले लिए। सर्दी काफी हो रही है ना यहाँ पे भी। ये स्टार्टिंग अभी 5-10 दिन हुआ सर्दी को। अच्छा, कितना तक जाती है? पूरा जनवरी रहेगा सर। जनवरी पूरा। होटल अमृतसर इंटरनेशनल, चेक इन 12 बजे ही है हमारा, पहले ही पहुंच गए। पता नहीं कब तक मिलेगा हमको रूम। भाई रूम तो हमको मिलेगी नहीं, तो मैं ऐसे ही कॉमन वाले टॉयलेट में आ गया था, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होना। ये देखो इसका क्या सिस्टम है भाई, मैं सोच रहा साला धोए कहाँ से, तो ये साला यहाँ से पानी निकलता है। सिस्टम देखियो, सही जगह पे पहुँच जाता है पानी एकदम बिंदास। ब्रश करके, ब्रश होके ब्रंच करने आएंगे। ब्रश करके आएंगे, हाँ, 12:15 तक आ जाएगा, और एक रूम मिल जाएगा। उसके बाद फिर नहा के, रूम मिलने में टाइम लगता था, एक रूम में फ्रेश हो गए। अभी हम यहाँ पे इस वाले टेम्पो में पकड़ के एक कुलचा खाने निकल जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके आते हैं निकलते हैं। इसका 20 रुपया सवारी, ठीक है ना? चलो बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। देखो जो ईमानदारी की कमाई में बरकत है ना, हाँ, वो हीरा फेरी की कमाई में बरकत नहीं है। सही बात बोले। अपने परिवार को जो बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, ईमानदारी की कमाई से 10 लोगों की कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर खिलाते हैं। भैया ठगी से नहीं खिलाते। मेरी गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही बोले। ईमानदारी की कमाई से है? नहीं, टूरिस्ट भी तो आते हैं, हम तो मेहनत की कमाई से ही आते हैं ना घूमने, तो वही ना टूरिस्ट का गलत दवा दबोच कर आप सब देखो। अब देखो भैया, आप भी काम मेहनत करते हो, आप भी अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए करते हो, आप कौन से 2 नंबर के काम कर रहे हो। सही बात है। गुरु रामदास जी का है, ठीक है? अच्छा, जो बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है ना, हाँ, वो जिधर हम आपको जा रहे हैं ना लेके, वो अगली रोड पे है। उनकी गर्दन कट गई थी, उन्होंने गर्दन अपने हाथ पे रखे ना, मुगलों से लड़ाई किया था, अपनी गर्दन हाथ में रखी, फिर उधर से जहाँ उनका वो बना ना गुरुद्वारा, उन्होंने वहां से ना अपनी गर्दन उठा के फेंका था। 3 किलोमीटर जाके दूर उनका गर्दन गिरा टेंपल के अंदर। उनका टेंपल के अंदर भी वो जगह बनी है। ऐसा क्या? हाँ, गोल्डन टेंपल के अंदर। हाँ, गोल्डन टेंपल के अंदर। ये इतिहास किसी किसी को पता है, वो उन्होंने जहाँ पे उनका घर गिर गया ना वहाँ पे, जब उनके सांस प्राण बिल्कुल निकल गए, फिर वहां से ना उन्होंने ना गर्दन फेंक दिया, अपना गर्दन हाथ में रखे लड़ रहे थे। तो मुगल फिर डर गए देख के, मुगल बोलने लगे, अरे यार ये सरदार कैसे है यार, तो ये तो देखो गर्दन कट गई, फिर भी लड़ी जा रहा है। उसने उधर से गर्दन उठा के फेंका, अपनी ऐसे मारा तो गर्दन उठ गया, 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है उधर से टेंपल के अंदर आके गिरी थी गर्दन, और जो नीचे वाला शीशा का धड़ वो उधर है, तो उधर उनका गुरुद्वारा बना है, उसको बोलते हैं बाबा दीप सिंह। आप हिसाब लगा लो, वो आदमी कितना तगड़ा होगा जो 1 मीटर का घंटा उठा के लड़ रहा था, और 9-10 फुट का बाबा था वो। उनके हाथ ना यहाँ तक आते थे, बोलते हैं इतने लंबे लंबे हाथ थे उनके। जो म्यूजियम है ना उधर, उनमें उनके कपड़े रखे हुए हैं अभी तक, जो कपड़े पहनते थे ना लोहे के जाली, हाँ, जैसे कोई तलवार मारे कुछ लगे तो लगेगा नहीं, तो ये सर पे चक्की जो होता है लोहे का होता है, तो दातरे बुतरे सब उनके जूता जूती डालते थे, नहीं डालते थे बोलो। बटर खत्म कर दिया मेरे बटर।
बटरी ना तो वही दूसरा रूम भी मिल गया। ये ट्रिपल बेड डिलक्स रूम है। यहाँ पर दो एक दो डबल बेड एक सिंगल बेड रूम तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेशियस है। यहाँ पे क्या है कुछ जूता या कैबिनेट है, टीवी है, एक स्टडी है, कोई बैठा नहीं है। एक अलमारी दिया गया है यहाँ पे, सोफा टेबल, ये शायद बाथरूम है, एक छोटू सा बाथरूम, वहाँ पे बात एरिया। तो ये है रूम हमारा, रूम टूर खत्म। क्या हो रहा है? गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे ना, तो जिसको नियो में चुना दिया गया था शहीदी गुरु प्रोग्राम, इसलिए दूध लगाया हुआ। अच्छा, एक हफ्ते ऐसे लगाते हैं। यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं, तो ये इस टाइम थोड़े ज़्यादा रहते हैं। मैं ठीक, गर्मी में बहुत होता है, सर्दी में बहुत होता है। अभी आज 6-7 दिन हो गए, इतना रश है बॉर्डर पर, इतना रश है कि सब बॉर्डर पर ही जा रहे हैं गाड़ियों से, सभी सब बॉर्डर गाड़ियाँ। तो वाघा बॉर्डर जाते टाइम खाने की भी बहुत जगह मिल जाएगी, बल्ले बल्ले ढाबा रंग क्लब पंजाब, ये तो फेमस कुछ कुछ ढाबा या रेस्टोरेंट्स वगैरह है जो जो खाने के लिए मिल जाते हैं हमको। तो ये है वाघा बॉर्डर का जो पार्किंग है ना, वो पार्किंग इधर है। आपको यहाँ पे गाड़ी रख के चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो टोपी पहनाने वाले, फिर जो फेस पेंटिंग वेंटिंग है, हमारे टेरा साहब ने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं करना है हमको, पेंटिंग वेंटिंग नहीं करना, बहुत ख़राब है। तो यस है, तो यहाँ से चल के निकल आगे निकल जाना है। यहाँ से लाहौर है 23 किलोमीटर। बहुत सिक्योरिटी टाइट है भाई, हिसाब यहाँ की सबको, अपना जेब वेब सब कुछ चेक करते हैं, सब कुछ निकाल निकाल के चेक करते हैं। कुछ भी होता है तो लॉकर रूम में रखना पड़ता है, इधर उधर कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। सामने ये इंडिया का दिख रहा है, क्या ही जबरदस्त दिख रहा है भाई, तो लग रहा है कूद जाएंगे जंग में पाकिस्तान के साथ। अबे पाकिस्तानियों का स्टैंड खाली है बे, अबे उनका तो स्टैंड खाली है बे, कुछ भेज दे के यहाँ से, हट साला, औकात नहीं है, हट। ओ माय गॉड, गूस बम्स मैन, गूस बम्स। ओ हो 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 हो, भाई साहब वो रहा पाकिस्तानी, कहाँ है पाकिस्तानी, ये देखो जिन्ना, अरे बैठो बैठो बैठो, हाँ अब देख रहे हैं जिन्ना साहब, भाई पाकिस्तानियों का स्टैंड पूरा खाली है भाई, ये भारत वाले देखो, अरे बाप रे बाप, यहाँ देखो सुपर भाई, जबरदस्त, तो क्या ही फीलिंग आ रही है भाई साहब, ये देखो पीछे पाकिस्तानी बॉर्डर, ये हमारा भारत का कैंप, तो पाकिस्तानी कैंप देखोगे, खाली है भाई पूरा खाली है पाकिस्तानी कैंप, डर के मारे छुप के बैठे हैं। हमारा तो अभी भी सीट यहाँ पे भरना बाकी है, भर जाए एक बार बस, क्रिकेट जैसा स्टेडियम बना हुआ है एकदम।
बहुत बढ़िया भाई, क्या फीलिंग्स है। हमारा तो ऑलमोस्ट फिल होने लग गया है, उनका तो पूरा ही खाली है भाई। पानी कम है उधर, उस साइड पानी बहुत कम है भाई। भारत माता की जय। ज्यादा लंबी भारतीय सरहदों की
सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यहाँ कौन लोग जा पा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इनका अलग टिकट है कि क्या कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, पूरा पाकिस्तान वाह भाई, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत एकदम हाई था, हाई जोश फुल हाई। हाँ भाई दूध पम्प आ गया भाई, मजे हाँ भाई। ये वाला एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये यूट्यूब वीडियो में वीडियो में नहीं, ये सब समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ पे इस टाइम रहना पड़ेगा, ये बस फीलिंग है, बस ये फीलिंग और कुछ नहीं। बस अंदर का मतलब जो छोटा मोटा जो मतलब पूरा देशभक्ति जो है ना, वो निकल के फूट फूट के बाहर आती है। जबरदस्त भाई, चलो भीड़ तो देख ही पा रहे होगे भाई, कितना जम के भीड़ है भाई। गिज 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 हो रहा है। हमारा एग्जिट शायद उधर से कहीं से है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया है, हम जीत गए भाई। ये वही डॉगी था, क्या मस्त। फोटो लेना है, चलो फोटो ले लेते हैं। ओ भाई लग रहा है कोई इंडिया पाकिस्तान का स्टेडियम में मैच देख के निकल रहे हैं भाई। ये जो दूर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मेरा फ्रेंड ऊपर से बता रहा है, वो देखो ये देखो, उसको ऊपर से पाकिस्तान दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि ये जो
सरहद है ना, ये सरहद यहाँ पे दूर जो ये जो सेकंड वाला लाइन दिख रहा है वो लाइन के बाद पाकिस्तान है, और वो दूर वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग भी दिख रहा है यहाँ पे, ये पाकिस्तानी ये देखो कहाँ गया कहाँ गया, उंगली कहाँ गया उंगली कहाँ गया मेरा भाई, यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग। इस एरिया के बाहर आ जाएगा तो आपको उसके गेट के बाहर वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, यहाँ पे आपको खाने वाने की सुविधा मिल जाएगी, मतलब स्नैक्स वगैरह, बच्चों के खेलने की जगह, टैम्पोलिन वगैरह सब कुछ इधर मिल जाता है। तो पता नहीं क्यों संभव मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब इस जगह पे जहाँ पे इतना बढ़िया वाला देशभक्ति वाला जगह है उसके बाहर तो यहाँ पे पूरा मेला ही लग गया है भाई, के अंदर भी कुछ दुकान वकान लगे हुए हैं इतने सारे खाने पीने की, और यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना है हाँ ठीक है, मतलब हल्का फुल्का रखो कि अगर कोई आ रहा है नहीं आ रहा है तो थोड़ा दूर जाना है कुछ छोटा मोटा कुछ खा ले, ये क्या है यार दुकान टाइप से पूरा लगा लिया है पूरा, मतलब समझो मतलब मेरी थिंकिंग में भी डिफरेंट है, मुझे तो इतना भी सही नहीं लगा ये सेटअप यहाँ पे, इसको एकदम देशभक्ति के लिए रखना चाहिए था और कुछ नहीं। बिना चीनी के चाय बोल दिया है पाजी को, पाजी फ्रेश बना दीजिए ना बिना चीनी के, थैंक यू। पूरी पूरा मेला है यहाँ पे, ये साल भर ऐसे ही सब दुकान रहता है कि अभी छुट्टी है ना अभी बड़ी, अच्छा छुट्टी के लिए, और वैसे नहीं तो सैटरडे संडे सब दुकानें लग जाती है। अच्छा बैठ गए भाई गाड़ी में आके, अभी क्या जाना है शॉपिंग, फुलकारी और जूती, तो फेमस कुछ फुलकारी, फुलकारी सूट लेडीज को चाहिए और अमृतसरी जूती, तो बिना ये सब खरीदे तो मैनेज में घर में एंट्री नहीं मिलेगी ना, तो उससे जा रहा है, मैं तो कुछ प्लान नहीं था मेरा लेके जाने का,